नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसे बिंदुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें एग्जामिनर हमसे गलती कराने का प्रयास करता है। हमने इसके पहले वीडियो में राज्यसभा के संबंध में अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। अब हम आगे देखते हैं राज्यसभा के सभापति। देखिए, राज्यसभा के सभापति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। भारतीय संविधान ये कहता है कि उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब इनमें खास बात क्या है कि जो सभापति हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, फिर भी क्या करते हैं? मत देने का अधिकार रखते हैं। और किस प्रकार का? सामान्य परिस्थितियों में तो मत नहीं देते, परंतु जब वोट बराबर हो जाएं तो निर्णायक मत देते हैं। ये यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सदन है या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सदस्य, उस सभा का सदस्य तो नहीं है वो, पर मत देने का अधिकार रखता है। सदस्य ही ज्यादातर कंडीशन में जो सदस्य होते हैं वही मत देने का अधिकार रखते हैं, पर राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है, वह राज्यसभा का सभापति ना होकर, राज्यसभा का सदस्य ना होकर भी मत देने का अधिकार रखता है। तो याद रखिएगा, यह निर्णायक मत देता है। कौन देता है ऐसा? उपराष्ट्रपति देते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात जो बहुत कॉमन सी कही जाती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 इसके बारे में करता है बात। अब अनुच्छेद 65 में लिखा क्या है, अब इसे मैं अगर आपसे प्रश्न के रूप में पूछूं कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। देखिए, होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो यह कहा गया कि 6 माह के भीतर क्या होगा, एक नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक, मैक्सिमम कितना पीरियड? 6 माह का टाइम है। 6 माह के भीतर आप नया राष्ट्रपति चुनेंगे। अब राष्ट्रपति की जगह में काम करेगा जो उपराष्ट्रपति, वो भारत के संविधान के अनुसार जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो क्या वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा या फिर वह उपराष्ट्रपति रहेगा और केवल राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वो राष्ट्रपति नहीं है, वो केवल उपराष्ट्रपति है और उसके कार्यों को कर रहा है, या इस संबंध में संविधान मौन है। आपको संविधान के अनुसार बताना है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद क्या होगा। संविधान मौन है। देखिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, केवल राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, या संविधान इस संबंध में मौन है। आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे इसको।
देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 65 स्पष्ट रूप से कहता है कि वह क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब मैं ये कहता हूं कि 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, तो इससे यह समझ में आता है कि वह क्या कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, तब तक वह उस पद को संभाल रहा है। देखिए, एक्चुअल कंडीशन तो यही है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहता है और नए राष्ट्रपति आने पर वह अपना पद छोड़ देता है, वो राष्ट्रपति के पद में कोई नया व्यक्ति आता है। परंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति उसके जगह पर कार्य करेगा और राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा। और अब उसको राज्यसभा के सभापति के संबंध में जो वेतन और भत्ते मिलते थे वे नहीं मिलेंगे, और अब उसे वेतन भत्ते किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक, और कुछ बातों को समझते हैं। अब जो ये सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, इनको हटाया जाना, सभापति को हटाया जाना, अब इनको हटाया कैसे जाता है, अब इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछूं मैं कि भारत के राज्यसभा के सभापति को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो राज्यसभा, सबसे पहली बात तो ये प्रस्ताव जो लाएगा, यह प्रस्ताव केवल कहां आ सकता है, राज्यसभा में ही आ सकता है। यह प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, इसकी पहल, प्रस्ताव की पहल जो की जाएगी वह की जाएगी राज्यसभा से, राज्यसभा से ही प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा। अब राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, अब वो पास कैसे होगा, सदन राज्यसभा के बहुमत से, राज्यसभा के बहुमत से, राज्यसभा के बहुमत मतलब कुल सदस्यों के बहुमत लिख लीजिए, राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के बहुमत, कुल सदस्यों के बहुमत, या फिर राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों के, तात्कालिक सदस्यों के बहुमत, सदस्यों के बहुमत, या फिर राज्यसभा के कुल सदस्यों के, कुल सदस्य के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, या फिर तात्कालिक सदस्यों के, तात्कालिक सदस्यों के 2/3 बहुमत, तात्कालिक सदस्य के, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स पे, 2/3 बहुमत। देखिए, राज्यसभा के सभापति को हटाया जाना है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से आप उनको हटाएंगे, या राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से हटाएंगे, या राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटेंगे, या राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों के 2/3 बहुमत से उनको हटाया जाएगा। देखिए, कुल सदस्य तो आपको समझ में आता है, कुल सदस्य कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो इनके बहुमत से, इन 245 सदस्यों के, तात्कालिक सदस्य का मतलब है उस समय कुल कितने सदस्य हैं। देखिए, ये उपस्थित और मतदान देने वालों से अलग बात है। तात्कालिक सदस्यों का मतलब है 245 कुल सदस्य होते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि एक समय पर 5 सदस्य या तो अपने पद पर ना हो, या मृत्यु हो गई हो, या इस्तीफा दे दिया हो, ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है। तो यह कहा जाएगा तात्कालिक सदस्य संख्या कितनी है, 240 है। तात्कालिक सदस्य संख्या कितनी है, 240 है, तो उसे कहा जाएगा तात्कालिक सदस्य संख्या। अब उपस्थित और मतदान करने वाले कंडीशन अलग है, लेकिन तात्कालिक सदस्य कितना, अगर वो पद पर नहीं है या वह सीट खाली है, तो कहा जाएगा कि एक समय ऐसा है जहां पर ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि 5 पद खाली हैं, तो क्या 240 सदस्य हैं। तो इसका उत्तर होता है तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से, तात्काल, इसमें 2/3 की जरूरत नहीं पड़ती है,
और तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात अगर 240 सदस्य हैं तो 121 सदस्यों के समर्थन के आधार पर उसे क्या किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अब इस पे एक बात और आती है कि इसमें लोकसभा की क्या भूमिका है। अगर हम राज्यसभा के सभापति को हटा रहे हैं, राज्यसभा के सभापति को हटा रहे हैं, तो यहां पर लोकसभा की भूमिका क्या होगी, लोकसभा की भूमिका क्या होगी। लोकसभा से केवल सहमति ली जाएगी, सहमति, या फिर लोकसभा के बहुमत से पास करना पड़ेगा उसको, अर्थात कुल सदस्यों के बहुमत से, या फिर लोकसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से, तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से, या फिर लोकसभा के कुल सदस्यों के दो तिहाई से इसको पास करना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा में यह प्रस्ताव जाता है, अगर राज्यसभा के सभापति को हटा रहे हैं तो वो राज्यसभा में उसकी क्या स्थिति होती है। तो संविधान कहता है कि लोकसभा में क्या होनी चाहिए, उसकी सहमति होनी चाहिए। अब देखिए, सहमति को थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। लोकसभा में बहुमत नहीं चाहिए, यानी कुल सदस्यों का बहुमत नहीं चाहिए, ना ही तात्कालिक सदस्यों का बहुमत चाहिए। सहमति यानी सामान्य रूप से, मतलब सामान्य रूप से हम कहें तो लोकसभा का सबसे पहले तो कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम अर्थात कितना, 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी कोई विधेयक, कोई बातचीत वहां प्रारंभ हो सकती है। तो सबसे पहले इस तरीके का कोरम पूरा होना चाहिए। अब कोरम कंप्लीट है और उसके बाद जितने सदस्य उपस्थित हैं वहां पर, हम कहते हैं कि 200 सदस्य उस दिन उपस्थित थे, तो 200 में से अगर 101 सदस्यों ने सहमति जता दी तो राज्यसभा के सभापति उसके पद से हट जाएंगे। अर्थात सबसे पहले राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए क्या किया गया, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में जो तात्कालिक सदस्य संख्या है उसके बहुमत से उसे पास किया गया। उसके बाद वह बिल कहां पर आया, लोकसभा में आया, और उसके बाद वह बिल नहीं कहेंगे इसे, इसे क्या कहेंगे, प्रस्ताव है ये। वह प्रस्ताव कहां पर आएगा, लोकसभा में आएगा, और वह प्रस्ताव सामान्य सहमति के आधार पर लोकसभा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कुछ और चीजें देखते हैं। आप देखते हैं राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 यह कहता है कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय। देखिए, भारत के संविधान में सूचियां डिफाइन है कि कौन सी सूची के कार्य केंद्र सरकार करेगी, कौन से कार्य राज्य करेंगे और कौन से संवर्ती सूची के हैं। देखें, अगर हम केंद्र सूची में 100 सब्जेक्ट हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, ये जो केंद्र सूची के विषय हैं इनमें संसद कानून बनाती है, और ये जो राज्य सूची के विषय हैं इनमें राज्य के विधानमंडल अपने संबंध में कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं इनमें दोनों ही कानून बनाने की क्षमता रखते हैं। परंतु यदि उसी कानून को केंद्र ने बनाया है और राज्य ने बनाया है तो केंद्र का कानून ज्यादा तरीके से मान्य होगा। अब देखिए, राज्य सूची के विषय में भी अब केंद्र बना रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर इस कानून को बनाते हैं। राज्य सूची का कोई विषय है तो उसे राज्य का विधानमंडल बनाएगा, परंतु यह कहा गया है कि राज्यसभा को लगता है, क्या लगता है कि वह क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकता है। कब बना सकता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या फिर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या राज्यसभा को लगता है कि वह महत्व क्या है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय
महत्व का विषय है या इस संबंध में संविधान मौन है, इसमें कोई बात नहीं की गई है। राज्यसभा चाहे तो बना सकती है, हम ये कह सकते हैं। देखिए, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, और वह कब बना सकती है, जब उसे लगता है कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 249 में कि अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, इस आधार पर वह क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति रखता है। अभी कानून तो बना लेंगे, लेकिन ये कानून पास कैसे होंगे? राज्यसभा राज्य सूची के कानून बना रही है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना रही है। अब यह जो कानून है वह किस बहुमत से पारित होना चाहिए? बात नहीं आ जाएगी कि राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से या फिर राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से या फिर राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट और वोट देने वालों के बहुमत से, या फिर राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वालों के दो तिहाई बहुमत से। अब इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स पे देंगे कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना रही है और वह किस प्रकार से पास होगा। राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वालों के बहुमत से, या राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वालों के दो तिहाई बहुमत से। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वाले दो तिहाई सदस्यों का। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी दो तिहाई की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि अगर दो तिहाई से पास हो रहा है तो इसका मतलब होगा कुल का कितना होगा, कुल का 50% से अधिक होगा। तो देखिए, यहां पर ये कंडीशन लागू नहीं है, कुल का 50% से अधिक नहीं, जरूरत नहीं है यहां पर। सिर्फ क्या जरूरत है, उस दिन राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो राज्य सूची के विषय पर भी राज्यसभा कानून बना सकती है। अब इससे पूछा जाएगा क्या यह कानून पूरे देश पे लागू होगा, तो हाँ, पूरे देश पर यह कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। बट इस कानून की जो समय अवधि होगी वह क्या होगी, 1 वर्ष होगी। यह पूरी तरीके से कानून नहीं बनेगा कि हमेशा के लिए नहीं बन गया, ये केवल कितने दिन के लिए बना हुआ है, 1 वर्ष के लिए यह कानून बना हुआ है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय को यह मानते हुए कि राष्ट्रीय महत्व का है, तो राज्य सूची के विषय को भी क्या कर दिया है, उन्होंने बना दिया है नियम राज्यसभा ने, ना कि राज्य के विधानमंडलों ने। ठीक, अब देखिए इसी संबंध में एक और बात है राज्यसभा की कुछ और शक्तियों के संबंध में, कि अनुच्छेद 312 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 यह कहता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। तो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है, राज्यसभा के पास। जैसे वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसी तरीके की अगर राज्यसभा को लगता है किसी और सेवा की जरूरत है तो वो क्या कर सकता है, राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अब इस पर भी यही प्रश्न आएगा कि यह जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होगा वह किस प्रकार होगा, क्या राज्यसभा के बहुमत से होगा या फिर राज्यसभा के, जैसे हमने दिया था राज्यसभा के
तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से या फिर राज्यसभा के कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत, या फिर उपस्थित राज्यसभा में उस दिन उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का दो तिहाई। तो इस संबंध में भी याद रखिएगा कि इसका उत्तर यही होता है, राज्यसभा में उस दिन उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से क्या कर दिया जाता है, आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। तो राज्यसभा के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। यहां पर एग्जामिनर आपसे गलती कराने का प्रयास करता है, तो इन छोटी छोटी बातों को आप बेहतर तरीके से अपनी मेमोरी में डाल लेंगे। धन्यवाद।